अंदर आ जाइए। यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। थैंक यू। तो 50,000 रुपए में तुम ये बक्सा लेके आई हो? ये 50,000 के लायक है भी क्या? ये क्या है सही? इसकी असली कीमत क्या है वो तो बाबा ही बता सकते हैं। बाबा? बाबा, मैं चाहती हूँ ये बक्सा आप खोले। एक, ये क्या है नाटक? चलिए। अरे क्या बचपना है, छोड़ो हाथ मेरा। बाबा आपको चलना ही पड़ेगा। ए लड़की, ये क्या बचपना है? हाँ, छोड़। ये क्या बदतमीजी है? तमीज से पेश आना कब सीखोगी सही? हाथ छोड़ो नीना मामा का। नहीं नहीं नहीं, ये बॉक्स तो आप ही खोलेंगे। चलिए। अरे क्या हो रहा है? चलिए चलिए, वो क्या रहा है? चलिए ना। आइए आइए। अरे आइए, क्या हरकत है ये? प्लीज खोलिए ना, प्लीज। करना क्या चाहती है ये? तुमने अपने स्कॉलरशिप के पैसे से ये खरीदा है? हाँ। और आपको याद है मेरे जन्मदिन पर बाबा ने कितना अच्छा गाना गाया था? और बाबा ने कहा भी था कि उन्हें हारमोनियम बजाना कितना पसंद है। मैंने आप सबको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बाबा को सरप्राइज देना चाहती थी। और विराज सर, आप तो जानते ही हैं सरप्राइज देने का एक्साइटमेंट कितना अच्छा होता है, कितना अलग होता है। अब कल ही तो आपने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है। सच में तुम्हें कोई समझ नहीं सकता। सही, सबकी खुशियों के बारे में सोचती है। हम लोग कोई सोच भी नहीं सकते कि तुम अपने स्कॉलरशिप के पैसों से निनाद के लिए हारमोनियम लेकर आओगी। लेकिन जिनके लिए लाई हूँ वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बाबा, आपको कैसा लगा? अब मुझे तो ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो कोई मुझे उल्लू नहीं बनाते इसलिए मैं अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर को लेके गई थी। उन्होंने ना म्यूजिक में PhD की है, वही इस हारमोनियम को अच्छे से चेक करके लेकर आए, इसलिए तो इतना टाइम लग गया। वीरू, चेक कर इसकी आंखें भी चेक कर, देख सही कौन से नशे करके आई है। पत्र लेखा, मुझे तो लग रहा है तुम एकदम ठीक कह रही थी, ये सही है ना? जरूर कोई नशे ही करके आई है, वरना कोई अपने ससुर की खुशी के लिए स्कॉलरशिप के पैसे ही दे देगा। सही, बता दे कौन से नशे करके आई है। हाँ तू, मुझे तो सही से सिर्फ एक ही नशे की बू आ रही है, प्यार के नशे की बू। और जिसे ये नशा चढ़ता है वो खुद की खुशी से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है।
सही बेटा, तू कमाल की लड़की है। लोग तेरे पे इतने सवाल उठाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, फिर भी तू कोई ना कोई हरकत करके सबका दिल जीत लेती है। मेरी एक बात मानेगी? जी बुआ जी। तू जैसी है ना, हमेशा ऐसी ही रहना, कभी मत बदलना। जी बुआ जी, लेकिन मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप लोग मेरी वजह से इतना परेशान हुए। दरअसल मैं बस बाबा को सरप्राइज देना चाहती थी। आई एम श्योर बाबा ने कई बार हारमोनियम खरीदने के बारे में सोचा भी होगा, लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं खरीद पाए होंगे। और जब पैसे होंगे तो वो अपने ऊपर खर्च करने से पहले बच्चों की खुशियों पे खर्च कर दिए होंगे। आई बाबा ऐसे ही होते हैं, खुद से पहले परिवार, बच्चों की खुशियां, उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी उन्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, और बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो बड़ों का ख्याल रखे। और मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, और ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ बड़े ही बच्चों का ख्याल रख सकते हैं? बच्चे भी तो बड़ों का ख्याल रख सकते हैं ना। आपने अपनी ड्यूटी निभा ली बाबा, अब हम बच्चों की बारी है अपनी ड्यूटी निभाने की। मैं सिर्फ बाबा के चेहरे पे खुशी देखना चाहती थी और कुछ नहीं। अब इसके लिए मुझे इनकी डांट भी खानी पड़ी तो कोई बात नहीं। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना और स्कूल से लेट हो जाता था घर वापस आने में, तो आबा मुझे बहुत डांटते थे, बहुत डांटते थे। और फिर जब उन्हें पता चलता था कि मैं जानबूझ के लेट नहीं हुई, तो मुझे ऐसे कस के गले लगा लेते थे और सब कुछ ठीक हो जाता था। मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है। उम्मीदों के सिक्के यहाँ खन खनाते, खुशी पे किराए लगते नहीं है। बड़ी धूप है दो कुछ छाँव चुरा के, जीना है जीना, जीना जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी। मेरे घर आना, आना जिंदगी, जिंदगी, मेरे घर आना। देखा, आज पहली बार तुम्हारे बाबा ने इस सई को अपने गले लगाया है। क्या बात है दादा, आज सूरज उल्टी दिशा में कैसे निकला है? आज ही तो सूरज सही दिशा से निकला है। आज तक मैंने तुम्हें अपनी बेटी तो क्या, अपनी बहू का भी मान नहीं दिया कभी, लेकिन आज तूने मेरे साथ ये जो किया है ना,
तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे मुझे। बाबा, आपको ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप बड़े हैं, आपका हक है छोटों को डांटना। अगर अगर छोटे गलती करें तो उन्हें सही राह दिखाना। मुझे पता था मेरी सही सबको माफ कर देती है। कभी वो गुस्से का जहर अपने दिल में नहीं रखती। ओंकार जी, जिस भाई के पीछे पीछे इतने साल चल रहे थे, उसने तो अपना रास्ता पथ मार्ग बदल दिया। अब किसका तुम छल्ला बनने का इरादा है? सारी इमोशनल बातें यही बंद करेंगे। प्लीज हारमोनियम बजा के दिखाइए ना सबको। एक मिनट, मैं सबके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। व्हाई? बेस्ट आइडिया।